नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देखें। तो दोस्तों, जिन लोगों का नाम पिछली लिस्ट में नहीं आया था तो यहां पर जो है नई लिस्ट अपडेट हो चुकी है, तो उसमें आप कैसे आप अपना नाम देख सकते हैं कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है देखने का इसका, चलिए जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह के तमाम वीडियो चाहते हैं चैनल पर, तो आप इस वीडियो को सबसे पहले ये लाइक की बटन दिखाई दे रही है इसको दबा के लाइक कर लीजिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जो आपको रेड बटन दिखाई दे रही है, उसके बगल में बेल आइकन दबा दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो आ गया है तो आपको कितनी इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है, कितना आपका घर बन गया है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट की लिंक डायरेक्ट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करिए नॉर्मली। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ये जो है इस तरह से कुछ दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट मैंने आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको जो है ज़्यादा सर्च ना करना पड़े, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे इसी पेज पर आप आ जाएंगे। पहले नंबर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, तो आप किस ईयर का देखना चाहते हैं, 17-18 का या 18-19 का। चलिए 18-19 का यहाँ पर देखते हैं, तो 18-19 आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपको क्या देखना है, तो आपको जो भी यहाँ से देखना है, जैसे मुझे देखना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो मुझे गांव का देखना है तो गांव पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो है आप ग्रामीण सभी स्टेट आ गए हैं। आप किस जगह के रहने वाले हैं, मैं हूँ उत्तर प्रदेश का रहने वाला, तो यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लूँगा। आपको भी जिस स्टेट के हैं आप वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको पूछेगा आप किस जगह के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, या आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ जो है आपका ज़िला कौन सा है, तो मैं अलावा सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका ब्लॉक गांव यहाँ पे सब सेलेक्ट कराएगा बारी बारी से, तो यहाँ पे आपको सब सेलेक्ट कर लेने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने ज़िला सेलेक्ट किया, ब्लॉक और गाँव सेलेक्ट कर लिया। आपका जो भी गाँव है वो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके गाँव में जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था या जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम आया है उनका नीचे आ जाएगा। ये देखिए सभी लोगों के नाम आ गए हैं फिलहाल, तो यहाँ पे जो है जितने लोग हैं यहाँ पे गिनती 10 लोगों से ज़्यादा हैं, इस पे करीब 21 लोग हैं जिनको जो है यहाँ पे आवास मिला है। अब आप यहाँ से इसको नोट भी कर सकते, नहीं तो आप ये देखिए डाउनलोड PDF, तो यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए और लोगों को भी दिखाइए गाँव में किन किन लोगों का नाम आया है, उनको भी आप दिखा सकते हैं। तो डाउनलोड PDF यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, पूरी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। देखिए डाउनलोड होने लगा है और ये पूरी लिस्ट आप पे आ गई है, अभी आपके मोबाइल में लिस्ट सेव हो गई है। बाकी के लोगों को भी आप दिखा सकते हैं आपके गांव के जो लोग हैं, आपका देखिए नाम आ गया है यहाँ पे। देखिए अमाउंट दिया गया है, आपको कितनी इंस्टॉलमेंट मिली हैं सब दिया गया है। इंस्टॉलमेंट दो दो दे दी गई हैं, इनको एक मिली है और अमाउंट रिलीज हो गया है इनका इतना, ठीक है, ये सब दिया गया है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें।